सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। तुलसी के पौधे को तुलसी माता कहकर भी संबोधित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी का निवास होता है वहां सुख समृद्धि और खुशहाली भी वास करती है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे को रोजाना जल अर्पण करने से दैवीय कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि तुलसी माता को इंसान का उद्धार करने के लिए ही धरती पर भेजा गया है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में कार्तिक मास में लगाना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को लगाने की भी मान्यता है। कहते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन विष्णु भगवान की पूजा आराधना की जाती है। मान्यताओं के मुताबिक तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है, इसलिए ये दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है जो कि भगवान कृष्ण का स्वरूप माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे को लगाने और उसकी पूजा करने के भी कई नियम होते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में इस तुलसी को परम वैष्णव माना गया है। भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी माँ लक्ष्मी का वास लेकर आती है घर में। जिनके घरों में तुलसी का पौधा होता है उन पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। तुलसी के रंग के आधार पर ये दो तरह की होती है, एक होती है सफेद जिसे हम रामा तुलसी कहते हैं और दूसरी कालो पत्ती वाली तुलसी जिसे श्यामा तुलसी कहा जाता है। वास्तु के अनुसार रामा और श्यामा दोनों की तुलसी का अपना अपना महत्व है। आप इन दोनों में से किसी एक को ही घर में रख सकते हैं। हरी पत्तियों वाली तुलसी को रामा तुलसी कहते हैं। इसे श्री तुलसी, भाग्यशाली तुलसी या उज्ज्वल तुलसी भी कहा जाता है। इस तुलसी की खासियत यही है कि इसकी पत्तियां खाने में दूसरी तुलसी की तुलना में मीठी होती हैं। इस तुलसी का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। गहरे हरे या बैंगनी रंग के पत्तियों और बैंगनी तने वाली तुलसी को श्यामा तुलसी कहते हैं। इसे गहरी तुलसी या कृष्ण तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। ये तुलसी भगवान कृष्ण को समर्पित है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।